अगर आरपी भैया धोनी से कुछ सीख लेते तो शायद इंडिया कल मैच नहीं हारती। इंडिया के तीन खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट की गलती से इंडिया टीम हारी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखे बेहतरीन जानकारी देंगे। दोस्तों श्रीलंका ने टॉस जीतकर इंडिया को आमंत्रित किया बैटिंग करने के लिए और इंडिया ने बहुत ही खराब शुरुआत किया। सिर्फ 13 रन पर 2 विकेट गवा बैठी और हैरानी की बात यह है कि विराट कोहली 0 पर आउट हो गए और अब इंडिया इस वक्त पर बहुत मुश्किल हालात पर थी। लेकिन उसके बाद इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने क्या गजब की बल्लेबाजी करी और रोहित का अच्छा साथ निभाया सूर्य कुमार यादव ने। रोहित ने ना सिर्फ रन बनाया बल्कि बहुत तेज बल्लेबाजी करी और 41 बॉल पर 72 रन ठोक दिया जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। रोहित और सूर्या ने 107 रन का पार्टनरशिप किया और जैसे ही रोहित शर्मा आउट होते हैं फिर रनों पर लगाम लग जाता है। एक टाइम पर जब रोहित खेल रहे थे तब लग रहा था 200 का आंकड़ा आराम से पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया जैसे तैसे करके 20 ओवर में 173 रन ही बना पाती है। पहले इनिंग्स तक 2 खिलाड़ी ने लुटिया डुबो दिया इंडिया का। पहला ऋषभ पंत, ये भाई साहब से बल्ला तो चल ही नहीं रहा है जबकि ये दिनेश कार्तिक की जगह खेल रहा है। पाकिस्तान के मैच में भी फ्लॉप रहा, श्रीलंका के मैच में भी सुपर फ्लॉप रहा। फिर दूसरा अपने दीपक हुड्डा, इनको 2 मैचों में 3 मौका मिला। पहले पाकिस्तान के मैच में भी फ्लॉप रहे और श्रीलंका के साथ तो सुपर फ्लॉप रहे जबकि 2 मौका मिला था इनको श्रीलंका के मैच में। अब टारगेट का पीछा करने उतरती है श्रीलंका, क्या गजब का शुरुआत करती है। शुरू के 10 ओवर में इंडियन बॉलर को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, एकदम एकतरफा मैच चल रहा था। लेकिन चहल ने 12वें ओवर में 2 विकेट लेकर मैच में वापसी करवाता है। फिर 14वें ओवर में अश्विन विकेट लेकर मैच में जान डाल देता है और फिर चहल 15वें ओवर में एक और विकेट लेकर इंडिया को पूरी तरीके से वापसी करवा देता है मैच में। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, दसुन सनाका और भानुका राजपक्षे। इन दोनों ने क्या गजब की कुटाई करी इंडियन बॉलर की। अब बचते हैं 2 ओवर में 21 रन और 19वें ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार और ये भाई साहब 14 रन पिटा जाते हैं। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 19 रन दिए थे और आज 14 रन। और तीसरा भुवनेश्वर ये है जिसका हाथ है हराने में। आखिर क्या बोलूं दोस्तों, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी बार बार वाइट दे रहा था। मुझे लगता है अगर भुवनेश्वर 19 और 14 रन नहीं देते तो शायद इंडिया दोनों मैच जीत जाती। और दोस्तों पिछले मैच की तरह इस मैच में भी 7 रन बचते हैं आखिरी ओवर में और फिर से वही युवा तेज गेंदबाज आता है और शुरू के 3 बॉलों पर 3 यॉर्कर फेंकता है और अब 3 बॉलों पर 3 रन बचे थे और 4th बॉल पर 1 ही रन बनता है। अब 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे और 5th बॉल कम्प्लीटली बीट करवा देता है और हमारे आरपी भैया को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। जहां विकेट मिलना चाहिए था वहां पर 2 रन बाय के बन जाते हैं। दोस्तों आप बताएं टीम मैनेजमेंट वालों ने क्या गलती करी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।